गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यूक्लियर फिजिक्स बुक डिस्कस कर रहे हैं हम और इंटरेक्शन ऑफ गामा रेडिएशन विद मैटर। तो जब गामा रेज इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ तो तीन तरह से हमारे पास प्रोसीजर होते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। लास्ट लेक्चर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम डिस्कस कर चुके थे, आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच एन इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्ट्स विद अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास है, हम कह सकते हैं दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हमारे पास हैं। एक तो ये कि इंसिडेंट फोटोन, कि जब जो रेडिएशन आती है वो फोटोन के फॉर्म में आती है और वो इंटरेक्ट किसके साथ करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। जबकि जो हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था उसमें जो रेडिएशन है वो इंटरेक्ट करती थी बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ। क्लियर? सो इट इज अ प्रोसेस इन विच एन इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्ट्स विद अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इज स्कैटर्ड विद एनर्जी लॉस। कि जो फोटोन स्कैटर इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिर वो स्कैटर्ड होगा और स्कैटर्ड होने के बाद उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। व्हेन हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इज स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्कैटरर देन फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन इज स्मॉलर देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कि जो फोटोन है आपके पास वो स्कैटर होने के बाद जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। इट इज मैक्सिमम एट अराउंड 1 MeV और इसकी जो सिग्निफिकेंट रेंज है वो 0.5 MeV से 10 MeV था। जबकि अगर हमने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बात करते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेट कहाँ पे होता है हमारे पास, लेस देन 5 MeV पे। क्लियर? कि जब गामा रे की जो एनर्जी है वो लेस देन 0.5 MeV है तो वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी। क्लियर? और अगर गामा रे की एनर्जी 0.5 MeV से ज्यादा है और 10 MeV तक है तब वो हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट करेगी, और अगर इससे भी ज्यादा है तो वो हमारे पास क्या करेगी, पेयर प्रोडक्शन करेगी। तो अब आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। थ्योरी हम कह सकते हैं इसको, थ्योरी ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, कि कॉम्पटन शिफ्ट वेवलेंथ हम निकालेंगे इसमें। थ्योरी ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट पहले हम डायग्राम देखते हैं इसमें होता क्या है। देखिए ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे पास न्यूक्लियस में, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन आता है और वो फोटोन इस फ्री इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है। जैसे ही ये फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा दो चीजें होंगी हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी स्कैटर्ड होगा, ये रिकॉइल होगा, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और जो फोटोन है हमारे पास वो आपका इस डायरेक्शन में चला जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये है आपका इंसिडेंट फोटोन ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन ये है आपका स्कैटर्ड फोटॉन और ये है आपका रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ये जो एंगल है दैट इज थीटा, इसको हम कहते हैं स्कैटर्ड एंगल, और ये जो एंगल है ये है फाई, दैट इज योर रिकॉइल एंगल। अब जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एच न्यू, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है एम नॉट इंटू सी स्क्वेयर। स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है एच न्यू डैश, और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है एम सी स्क्वेयर। क्लियर?
तो इस तरीके से होता है हमारे पास ये हो गया आपके पास इसकी थ्योरी। इसमें अब हम लिखना क्या है, कहते हैं कि सपोज अ फोटोन ऑफ एनर्जी इसमें हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो फोटोन उससे स्ट्राइक करता है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि इंसिडेंट फोटोन स्ट्राइक्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इज स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल थीटा। नाउ वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी हमारे पास वो क्या होगी, इन दोनों की एनर्जी जो इंसिडेंट फोटोन है और फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्ट्राइक करने से पहले की एनर्जी और स्ट्राइक करने के बाद की एनर्जी। तो स्ट्राइक करने से पहले की एनर्जी क्या थी, फोटोन की एनर्जी है एच न्यू और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है एम नॉट सी स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल है, जब फोटोन स्कैटर्ड कर जाएगा तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है एच न्यू डैश और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है एम सी स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास एम सी स्क्वेयर की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, एम नॉट सी स्क्वेयर प्लस एच कॉमन निकाल देंगे न्यू माइनस न्यू डैश। अब हम इसका स्क्वेयर कर देंगे तो स्क्वेयर करने के बाद इक्वेशन आ जाएगी एम स्क्वेयर सी फोर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी फोर प्लस एच स्क्वेयर न्यू माइनस न्यू डैश होल स्क्वेयर प्लस टू एम नॉट सी स्क्वेयर एच न्यू माइनस न्यू डैश। ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर वन। अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। अब जो मोमेंटम है हमारे पास, मोमेंटम एक क्या है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जो मोमेंटम इसका लगेगा वो दो डायरेक्शन में लगेगा। देखिए, एक तो इसके लॉन्ग एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास मोमेंटम होगा और एक आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम होगा। लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि पार्टिकल वाई एक्सिस की तरफ गया ही नहीं है, पार्टिकल आपका सिर्फ ट्रेवल किया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो जो मोमेंटम की जो इक्वेशन है वो बन जाएगी आपके पास बिफोर कोलिजन, एच न्यू बाय सी इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाय सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई। क्लियर, ये हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब अगर हम वाई एक्सिस की तरफ बात करते हैं तो वाई एक्सिस में यहां से हमारे पास फोटोन नहीं आया, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस में आया था, तो इसलिए ये वाली जो मोमेंटम है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की बात करते हैं तो अगर जो अलॉन्ग थीटा होता है वो टर्म होती है आपके पास कॉस थीटा और परपेंडिकुलर में आपके पास टर्म आ जाएगी साइन थीटा। सिमिलरली ये जो टर्म होगी दैट इज कॉस फाई और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म होगी दैट विल बी साइन फाई। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो दैट इज जीरो इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाय सी साइन थीटा माइनस एम वी साइन फाई, दैट इज मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लिया है, नेगेटिव साइन हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो आपके पास पार्टिकल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है आपका डाउनवर्ड वाला, ये जो कोऑर्डिनेट है दैट इज नेगेटिव कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो सी की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू डैश कॉस थीटा प्लस एम सी वी
कॉस फाई, और दूसरी जो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज एच न्यू डैश साइन थीटा माइनस एम वी सी साइन फाई। अब ये जो दो इक्वेशंस आ गई इसमें हमें पता है कि अगर साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो हम इन दोनों टर्म्स को आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, इन दोनों को स्क्वेयर करके ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा वन हो जाएगा। और दूसरी जो टर्म है हमारे पास दैट इज साइन स्क्वेयर फाइव प्लस कॉस स्क्वेयर फाइव भी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयर एंड एड दीज टर्म्स। जब हम इनको स्क्वेयर करके ऐड कर देंगे तो जो हमारे पास टर्म आएगी दैट विल बिकम एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा न्यू स्क्वेयर प्लस न्यू डैश माइनस टू न्यू न्यू डैश कॉस थीटा, और जो पहले हमारे पास टर्म आई थी एनर्जी से दैट इज एम स्क्वेयर सी फोर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी फोर प्लस एच स्क्वेयर न्यू माइनस न्यू डैश होल स्क्वेयर प्लस टू एम नॉट सी स्क्वेयर एच न्यू माइनस न्यू डैश। ये जो टर्म है हमारे पास दैट इज फ्रॉम मोमेंटम, और ये जो टर्म है दैट इज फ्रॉम एनर्जी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी फोर माइनस टू न्यू न्यू डैश वन प्लस कॉस थीटा प्लस टू एम नॉट सी स्क्वेयर एच न्यू माइनस न्यू डैश। अब यहाँ पर हम रिलेटिविस्टिक निकालेंगे रिलेशन, एम इज इक्वल टू क्या होता है एम नॉट वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर अंडर द रूट। ये वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे तो जो इक्वेशन बनेगी दैट इज एम नॉट सी स्क्वेयर न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा। रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, ये वाली जो टर्म है इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे एच एम नॉट सी स्क्वेयर वन माइनस कॉस थीटा, और रिलेशन हमें पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी सी बाई न्यू डैश माइनस सी बाई न्यू इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी स्क्वेयर वन माइनस कॉस थीटा। या ये वाली जो टर्म है इसको हम कहेंगे डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ये टर्म जो है आपके पास ये जो टर्म है दैट इज इक्वल टू लैम्डा डैश, और ये जो टर्म है दैट इज लैम्डा, और दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो चेंज इन लैम्डा आ जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी स्क्वेयर वन माइनस कॉस थीटा, और ये जो रिलेशन होता है दैट इज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। दिस रिलेशन दैट इज नोन एज कॉम्प्टन शिफ्ट, और ये जो टर्म है दैट इज नोन एज कॉम्प्टन वेवलेंथ। क्लियर?